हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी 2022 और ये जो फ्रेम में आप दोनों जन को देख रहे हो वो दोनों फिलहाल अभी भी सेफ जोन में हैं और दिल के अंदर गाना बज रहा है। सुनना चाहते हो क्या? चल शुरू करते हैं। क्या गाना बज रहा है मन के अंदर? टेक वन ए मेरे, टेक टू ए मेरे, हम सब एक नई गलाई, टेक थ्री ए मेरे, हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाए दे रही है मंजिल आइसोलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज सैटरडे है और आज का मेनू कुछ नहीं, सिंपल। ये देखिए, पूरा गाजर, बीट और बीन्स, ये सारी चीज़ से एक वेजिटेबल दाल बनाई है। और यहाँ पे मेरा मशरूम का सब्जी बन रहा है और शुरू में ही थोड़ा बहुत मस्ती कर लिया क्योंकि मम्मी का तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, थोड़ी बहुत डाउन है, इसलिए मम्मी को भी हम लोग घर से अलग कर लिया है, दिया मतलब दूसरे रूम में, और सब बच्चे लोग का भी, मैं और बच्चे लोग होल रूम में। तो बहुत देखिए, कल रात को ये आलू प्याज आया, सब निकाल के रख दिया, तो खाली प्याज ही बाहर है क्योंकि बहुत सड़ रहा है। और ये कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं क्योंकि अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो बहुत कोई फ्रेंड पूछते हैं कि कैसे चल रहा है, क्या है, कुछ चीज़ का ज़रूरत है नहीं, तो सभी को थैंक यू। और ये देखिए, फ्रूट्स निकाल के रख लिया, पाइनएप्पल, पपैया, ये बनाना एंड ड्रैगन फ्रूट्स, मौसम्बी और पोमोग्रेनेट, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खाएंगे। और जिनके मतलब कोई नहीं है मुंबई शहर में, एक चीज़ बोल सकते हैं, उनके लिए होम डिलीवरी का बॉय है, मतलब वो लोग सब डोर में छोड़ के जा रहे हैं, तो फिलहाल हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बाहर से आवाज़ें आ रही है और आज का तो सैटरडे ही है और हम लोगों ने मॉर्निंग में एक बॉयल खाए हैं क्योंकि जॉयदीप को मैंने बोला है जब तक आप लोग फिट नहीं होते हो, नो ट्यूजडे एंड नो सैटरडे, और इसका कंपेंसेट हम एक हफ्ता प्रॉमिस वेज खाना खाएंगे। तो बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ है, घर का सिचुएशन तो मैंने बोल ही दिया। बहुत कोई फ्रेंड पूछते हैं कि कैसे घर चल रहा है, तो कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा सुंदर, सब कोई टेक केयर करते हैं, क्या बोलूँ, हमारा जो एरिया है वो दो कोई भी म्यूनसिपल्टी के अंदर नहीं है, मतलब बीचों बीच है। तो दोनों म्यूनसिपल्टी से हम लोगों जॉयदीप के पास कॉल आया कि आप कैसे हो, आपके परिवार में कितना मेंबर है, आपका मदर इन लॉ का एज कितना है, पूरा डिटेल सुनूँ सबने लिया है। तो मम्मी को भी आइसोलेटेड कर दिया है एक रूम में आज के लिए, देखते हैं मम्मी का फीवर वगैरह क्या है। तो मम्मी अगर ठीक हो, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ, तो मम्मी को कल रिलीज कर देंगे। और बाकी अनिष्का का तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत 3 दिन आज तक देखेंगे, नहीं तो कल उसको परसों उसको टेस्ट कराएंगे। यह है घर का फिलहाल हालत। और एक बात है कि इसमें डरने का नहीं है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक्ट करना है, वो सारे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और सब कोई गर्म पानी पी रहे हैं। अगर कोई किसी को हो रहा है तो प्लीज़ डरिएगा मत, डट के लड़िए, कुछ नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए था इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून विद अनदर ब्लॉग। तब तक के लिए नूतन सूर्य को दीजिए इजाजत, आज चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। बाय ऑल, टेक केयर, थैंक यू।